हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शिव मिश्रा। आइए समझते हैं आज एक्सेल के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले, और आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल को। यहाँ पे हमने रन कमांड से एक्सेल को ओपन किया और ये विंडो को मैंने मैक्सिमाइज कर दिया यहाँ से। और देखिए इसमें जो कि होते क्या क्या हैं, ये ए बी सी डी जो दिए हुए हैं ये कॉलम्स हैं, और ये हमारे रो हैं 1 2 3 4, ये रो हैं। अब बेसिकली ये टैब्स हैं और टाइटल बार है, ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता भी होंगी पहले से। ये ऑफिस बटन है, ये कंट्रोल बटन्स हैं। तो यहाँ समझना होगा हमको कि किसी सेल में अगर हमको इनपुट कराना है कोई भी डेटा, तो हम उसको एक्टिव रखेंगे। जैसे जिस सेल में हमको डेटा अगर इनपुट कराना है तो हम इसको एक्टिव रखेंगे। जैसे मान लीजिए हम इस सेल में हैं, तो हम यहाँ पे कोई डेटा इनपुट कराते हैं 65 75, ठीक है, या 7 कर लेते हैं यहाँ पे इंटर, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो एक नया फॉर्मूला हमारे पास है, इक्वल टू MMULT, ठीक है। और इसके बाद हम इसको शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे, यानी कि पैरेंथेसिस ओपन हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे सेल का एड्रेस देंगे। सेल का एड्रेस क्या है, A1, यानी कि A1 यहाँ पे 1 लिखेंगे हम, ठीक है। और इसके बाद कॉमा दे देंगे और A2, और फिर हम एंटर कर देंगे। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा 65 × 7। अब देखिए MMULT का जो काम है वो केवल 2 संख्याओं का गुणा कर पाएगा आपस में, केवल ओनली 2 नंबर्स। लेकिन अगर यही मल्टीप्लाई अगर हमको 2 या 2 से अधिक नंबर्स के करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे, तो वही समझते हैं उस चीज को। जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 7 9, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा 6। ये 3 अलग अलग नंबर्स हैं, इसकी मल्टीप्लाई अगर हमको करनी है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू PRODUCT, प्रोडक्ट। फिर हम शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे देखिए अलग अलग नंबर्स के लिए यहाँ पे हमको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ये सिंटैक्स है इसका, नंबर 1 नंबर 2 और डॉट 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 करके दिखा रहा है, यानी कि आगे भी नंबर्स हम दे सकते हैं। यहाँ पे पहले सेल का एड्रेस दे दिया हमने, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, B1 हो गया, ये हो जाएगा B2, फिर हमने कॉमा लगाया और फिर यहाँ पे B3। लास्ट में पैरेंथेसिस क्लोज करना कोई जरूरी नहीं होता है, तो अगर आप एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद भी ये सेल का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो ये सिंटैक्स है इसका। प्रॉपर सिंटैक्स क्या है इसका, प्रॉपर सिंटैक्स ये है। अभी यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, अब चौथा नंबर भी कोई हमको ऐड करना है इसके बाद, तो हम इसके बाद भी कोई चौथा नंबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉमा लगा दिया और यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद 8, और फिर इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसर चेंज हो गया यहाँ पे। तो ये तरीका होता है इसका काम का करने का। तो इसमें अलग अलग 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताया, दोनों का काम लगभग सेम ही है। बस अंतर क्या है दोनों में कि ये 2 नंबर्स को ही केवल करने के लिए है, और ये 2 या 2 से अधिक नंबर्स को भी अगर हमको करना है तो हम कर सकते हैं इसमें। अब देख लीजिए जैसे कि कुछ और भी फॉर्मूले हमारे पास आए, जैसे सम का। अक्सर हाँ लोग कहते हैं कि सम का जो फॉर्मूला होता है वो केवल जोड़ने के लिए होता है, केवल एडिशन के लिए होता है, ऐड के लिए होता है, पर ऐसा नहीं है। हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि सम का जो फॉर्मूला है केवल जोड़ ही नहीं, इसके अलावा हम और भी बहुत सारे काम सम से कर सकते हैं। आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 85, और यहाँ पे मेरा नंबर हो गया यहाँ पे 31। 2 नंबर हमने ले लिया, हमने एक इक्वल टू लगाया यहाँ पे और हमने यहाँ पे लिखा सम, ठीक है। शिफ्ट के साथ 9 हमने प्रेस किया यहाँ पे, या शिफ्ट के साथ 9 नहीं प्रेस करना है तो हम टैब प्रेस कर देंगे, तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला ऑटोमेटिक ले लिया ये, और यहाँ पे हम इस सेल का एड्रेस देते हैं। जैसे हम इस सेल का एड्रेस अगर दे दिए और फिर यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है, और ये नेक्स्ट सेल का एड्रेस दे दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देगा आपस में, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को 85 + 31 = 116, यानी कि 116 आ गया। अब देखिए इन दोनों संख्याओं के साथ हमको यहाँ पे जोड़ना नहीं है, हमको क्या करना था, 85 में से 31 को माइनस करना था। तो यहाँ पे हमको करना क्या होगा, देखिए किसी और सेल में जाना होगा, क्योंकि जिस सेल में फॉर्मूला ऑलरेडी होता है उस सेल में वैल्यू नहीं आती है। तो हम नेक्स्ट सेल में आते हैं, यहाँ पे इक्वल टू हमने प्रेस किया और यहाँ पे लिखा हमने क्या, सम, SUM, सम, पैरेंथेसिस ओपन एंड C1 - C2, पैरेंथेसिस क्लोज और यहाँ पे एंटर। देखिए 54 आ गया हमारे सामने आंसर, यानी कि सब्ट्रैक्ट के लिए भी काम कर रहा है। अब हम देखिए यहाँ पे केवल ऑपरेटर हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे SUM, सम, पैरेंथेसिस शिफ्ट के साथ 9 हम प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे C1 और स्टार, यानी जिसको हम एस्टरिस्क कहते हैं, मल्टीप्लाई का वो काम करता है, ये स्टार है जो, और फिर हम यहाँ पे C2 कर देते हैं और फिर शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे, 9 के बाद 0 प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे एंटर कर देते हैं। देखिए मल्टीप्लाई का भी काम कर गया, तो डिवाइड भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इक्वल टू सम एंड
ये, और उसके बाद डिवाइड का ये सिंबल होता है हमारे पास, ये इसको हम स्लैश के नाम से जानते हैं, बैक स्लैश को जो कि फॉरवर्ड स्लैश भी कहते हैं, और ये हमारा नेक्स्ट आपका सी टू, और यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं, देखिए डिवाइड भी हो गया। यानी कि केवल सम का जो फॉर्मूला होता है वो उसको एक बार आपको भी सोचना चाहिए कि इन्हीं फॉर्मूला है वो, एडिशन सब्ट्रैक्शन उसके अलावा मल्टीप्लाई डिवाइड, और भी सम के साथ हम बोर्ड मास का भी नियम का भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे जितने भी फॉर्मूले हैं इसमें हम सम का सहारा लेकर के हम काम कर सकते हैं। और बेसिकली जैसे हम आपको बता रहे थे कि रो और कॉलम को, तो वैसे तो आप एबीसीडी समझ ही जा रहे हैं, और किसी पर्टिकुलर किसी सेल के एरिया को हमको सेलेक्ट करना है, इसमें हमको इस एरिया के सेल को डिलीट करना है या इधर की जो वैल्यूज हैं डिलीट करना है, तो पहले तो हम इधर का सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और अगर नेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो फिर हमको यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा, अब यहाँ से ये सेलेक्ट होगा, देखिए हाईलाइट्स होगा सेल। तो ये तरीका होता है करने का। इसके अलावा हम फॉर्मूला टैब में आएंगे तो यहाँ पे मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, ABS है, ACOS है, डिग्री है, इवन है, ऑड है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।